जिगर कहाँ है मेरे इख्तियार में, रोता हूँ सुबह शाम तेरे इंतजार में। महरो वफा का जाम पिला आके साकिया, कब से खड़े हैं प्यास के माँ रे कतार में। जब मेरी सल्तनत थी तो कुछ भी नहीं कहा, अब क्या जबान खोलू तेरे इक्तदार में। तारीफ जिसके शहर की सुनते थे हम जफर, जुल्मो सितम सहे हैं उसी के दयार में। तारीफ जिसके शहर उम्र पचपन का, उम्र बचपन का, दिल बचपन का, एक भजन, एक कीर्तन, एक दुआया कलमात अपनी जबान में वो बयान कर रहे थे कि गुरु क्या है। गुरु को समझना इतना आसान नहीं है। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, बहुत लंबी गुफ्तगू है जनाब। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क, रालम भाई सुनिएगा, कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बहुत मुश्किल फन है शायरी, एक अजीब चीज है जिस पर खुदा की खास रहमतें नाजिल होती हैं, उन्हीं के हिस्सों में मिसरे आते हैं। वरना जिंदगी भर इंसान सोचता रह जाए, मेरा दावा है कि वो एक शेर नहीं कह सकता। सरस्वती के मानने वालों पर अगर सरस्वती सवार हो जाए तो वो वंदनाएं, कविताएं, छंद, बिछंद सब कुछ कह सकती हैं, कह सकते हैं। लेकिन अगर वो साक्षात न हो, मर्जी मौला शामिल नहीं हो, तो शेर नहीं कहे जा सकते हैं जनाब। शेर कहना बहुत मुश्किल फन है, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि उसके लिए बाकायदा पढ़ाई करनी पड़ती है, और उजो बलागत को पढ़ना पड़ता है, फन शायरी को पढ़ने पड़ते हैं। मुकदमे शेर व शायरी जैसी किताब मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की किताबों को पढ़ना पड़ता है, मुताले करने पड़ते हैं, रात की तन्हाइयों में डूबने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं एक मिसरे पैदा होते हैं। आइए हजरत, मैं हकीम मोमिन खा मोमिन से इस बात की शुरुआत करूं कि तू बेवफा सही तो मेरा भी यही तौर सही, कि तू बेवफा सही, तू बेवफा सही तो मेरा भी यही तौर सही। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, कि तू नहीं और सही, और नहीं और सही। एक बेहतरीन लब लहजे का शायर, बेहतरीन आवाज का मालिक, के इस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, के इस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सलबक जाए है आवाज तो देखो। आपके खूबसूरत समातों के हवाले जोरदार तालियों से उनके इस्तकबाल करें जनाबे परवाना सिवानी, आपके खूबसूरत समातों के हवाले। सदर बावकार और तमाम शोराए जाम, मतला हाजिर कर रहा हूँ हजरात। लग रहा है आप लोग सो गए हैं, अगर आप जगा नहीं हैं
तो एक बार जोरदार ताली बजाकर बता दीजिए कि सोए नहीं है। वाह, अगर लग रहा है अभी भी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप किसी के पॉकेट में हाथ नहीं लगाए हैं तो दोनों हाथ लहरा के जोरदार अंदाज में ताली बजाइए। क्या बात है, ये यूपी और बिहार का अनोखा संगम है दोस्त। जी जी, क्या बात है भाई, वाह। यूपी और बिहार के बात आई है तो दो शेर जर्फ वाले हैं, प्यार वाले हैं। जर्फ वाले हैं, प्यार वाले हैं, सबसे आला विचार वाले हैं। अब प्यार से मांग लो तो जा दे दे दोस्तों, हम बिहार वाले हैं। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर वाकई आप लोग बिहारी हैं तो एक बार फिर जोरदार ताली बजाइए। जर्फ वाले हैं, प्यार वाले हैं, सबसे आला विचार वाले हैं। प्यार से मांग लो तो जान दे दें दोस्तों, हम बिहार वाले हैं। क्या बात है, शुक्रिया जनाब। इरफान अहमद हाशमी एवन मुशायरा मीडिया काम, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने प्यार का पाठ करने के लिए दिया। प्यार का पाठ हम पढ़ाते हैं, दुश्मनों को गले लगाते हैं। अब प्यार से अगर न कोई माने तो हम बिहारी अदा दिखाते हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह। हजरत गजल का मतलब हाजिर कर रहा है। अरे भाई, यूपी वालों ने तो सब कुछ हम लोगों का ले लिया, बचा ही क्या है। यही तो मोहब्बत है। चलिए, नौजवानों के हवाले ये शेर कर रहा हूँ। इरशाद इरशाद, जम के पढ़िए। कि रुख से चिलमन को हटाओ तो कोई बात बने। क्या बात है, वाह। रुख से चिलमन को हटाओ तो कोई बात बने, रुख से चिलमन को हटाओ तो कोई बात बने। मस्त आंखों से पिलाओ तो कोई बात बने। क्या बात है, जिंदाबाद। मस्त आंखों से पिलाओ तो कोई बात बने, दूर ही दूर से कब तक ये इशारे होंगे। वाह, दूर ही दूर से कब तक ये इशारे होंगे। दो घड़ी पास भी आओ तो कोई बात बने। क्या बात है, वाह जिंदाबाद। दो घड़ी पास भी आओ तो कोई बात बने, रुख से चिलमन को हटाओ तो कोई बात बने। रूह प्यासी है तेरे दीद के प्यासी आंखें, रूह प्यासी है तेरे दीद के प्यासी आंखें, रूह प्यासी है तेरे दीद के प्यासी आंखें। प्यास दिल की जो बुझाओ तो कोई बात बने। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मस्त आंखों से पिलाओ तो कोई बात बने, मस्त आंखों से पिलाओ तो कोई बात बने। अब बन के परवाना तेरे दर पे चला आया हूँ। मकता देखे, इरशाद इरशाद। बन के परवाना तेरे दर पे चला आया हूँ, बन के परवाना तेरे दर पे चला आया हूँ। झुकी नजरों को उठाओ तो कोई बात बने। क्या बात है, वाह। मस्त आंखों से पिलाओ तो कोई बात बने। इरशाद जी पढ़िए। बंद हाजिर करूं हजरात, देहाती इलाका है और देखे से कि लोग गांव छोड़ के शहर के जानिब चले तो जाते हैं, लेकिन गांव की याद में अक्सर तड़पते रहते हैं। शेर आपके हवाले कर रहा हूं, बंद देखें। कि जग से प्रीतिया के तार टूटल जाता, जवार छूटल जाता, का कहीं गंवा हमार छूटल जाता।
का कहीं गंवा हमार छुटल जाता, अब याद आवे भूतहिया बगीचा, अब बैठस जवारी लगा के गलीचा, पुरखन के सब याद गार छुटल जाता, जवार छुटल जाता, का कहीं गंवा हमार छुटल जाता, का कहीं गंवा हमार छुटल जाता। संझिया रामायण से गूंजे भवन भोरही से पंडित जी गावस बजनवा, गंवा के पावन बियार छुटल जाता, जवार छुटल जाता, का कहीं गंवा हमार छुटल जाता। और यो बंद देखेंगे इरशाद, इरशाद भाई इरशाद, वाह। कि संझिया मा खेलल वखिया मिचोली, माई के डांट कबो ममता के बोली, गंवा में बचपन हमार छुटल जाता, जवार छुटल जाता, का कहीं गंवा हमार छुटल जाता, का कहीं गंवा हमार छुटल जाता। और मक्ता के शेर कि परवाना निर्मल नदिया के पानी, रतिया मा दादी सुनावस कहानी, घरवा अंगना द्वार छुटल जाता, जवार छुटल जाता, का कहीं गंवा हमार छुटल जाता, का कहीं गंवा हमार छुटल जाता, का कहीं